आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। रीवा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रिश्वत खोर पर कसा शिकंजा। लोकायुक्त रीवा पुलिस ने 2 दिन में 5 रिश्वत खोर कर्मचारियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि 19/5/2022 को एक पुलिस के प्रधान आरक्षक शिव कुमार पनिका पुलिस चौकी गोंडर जिला सिंगरौली को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। वहीं आज 20/5/2022 को रीवा लोकायुक्त दल ने 2 विभागों में रिश्वत लेते कार्यवाही करते 4 कर्मचारियों को पकड़ा है, जिसमें 2 महिला बाल विभाग से माया सोनी व अंजू त्रिपाठी कार्यालय महुगंज जिला रीवा व 2 पुरुष अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति विभाग के संतोष दुबे व गोमेश त्रिवेदी कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई। आज की कार्यवाही जारी है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस दल कार्यवाही करने वाले उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, राजेश पाठक, निरीक्षक जिया उलहक व प्रमेद कुमार, उप निरीक्षक रितिका शुक्ला, आकांक्षा पांडे, 12 सदस्य दल मौजूद रहा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।